यहाँ पे लोगों के बढ़ते आक्रोश के बारे में बात करते हैं, क्योंकि पेट्रोल के बढ़ते दामों में उभर रहा है। सर, भारत से तेल लेके श्रीलंका को, श्रीलंका ही अपने कस्टमर्स को 38 रुपए में पेट्रोल देती है और हम अपने ही कस्टमर को 70 रुपए में पेट्रोल डीजल दे रहे हैं, तो आप उस पर आपकी क्या विचार है, क्या रहे? देखो, ये तो एक आम नागरिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये तो एक बहुत बड़ी त्रासदी है। हमने दूसरों को दिया है और हमारे को हम इतना महंगा पेट्रोल मिल रहा है। बेसिकली हम भी तो मेहनत से पैसा कमाते हैं, पॉलिटिशियंस और ये अफसर वगैरह, ये तो सब इनके तो ऊपर की कमाई भी होती है और ये लोग अपने हिसाब से पैसा खर्च करते हैं, लेकिन हम तो मेहनत से पैसा कमाते हैं और उसका इस तरह से ये लोग दुरुपयोग करते हैं, ये तो गलत बात है। कौन किसको देता है, श्रीलंका को देता है या किसी को भी देता है, उससे हमारे को आम नागरिक को कोई मतलब नहीं है। हमारे को सिर्फ मतलब इससे है कि हमारे को कितना सस्ता पेट्रोल मिलता है, हमारे को सरकार कितनी सुविधाएं मुहैया करवाती है, वो सब चीज़ें काउंट करने वाली होती है। इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग नाराज भी हैं, थोड़े दुखी भी हैं, थोड़ा सोचने पर भी मजबूर हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है, हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। हमारे देश को हम लोग एक आम नागरिक को अगर सुखी या उसको सुविधाएं नहीं दे पाते तो हमारी क्या है उसको गुड गवर्नमेंस बोल सकते हैं? इसके लिए कोई भी जिम्मेदार हो, पार्टियों पे या गवर्नमेंट पे मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन ये इसके लिए अब गवर्नमेंट ने अपना हस्तक्षेप छोड़ करके और तेल कंपनियों को ये चीज़ें हैंडओवर किया है, तो तेल कंपनियों ने तो अपना तेल बेचने के लिए हमारा एक आम नागरिक का पसीना निचोड़ दिया, उसका खून पी रहे हैं ये लोग। इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है या कौन जिम्मेदार है उसके लिए हम देखो, सरकारें आती है जाती है, लेकिन अगर इस सरकार ने ये जजमेंट लिया है कि तेल कंपनियां खुद डिसाइड करें तो क्या ये एक लोकतंत्र का एक हिस्सा नहीं है? पहले की गवर्नमेंटें तेल कंपनियों के ऊपर डंडा चलाती थी तो हम लोग ये करते थे कि गवर्नमेंट रेट बढ़ा रही है। जब तेल कंपनियों को ये चीज़ें अधिकार दे दी तो तेल कंपनियों ने तो ऐसी की तैसी करके रख दी। ये इनके ऊपर तो गवर्नमेंट का डंडा ही चलना चाहिए, जब जाके ये तेल कंपनियां अपने आप को सुधारेगी, अपने मुनाफे के लिए आम आदमी की खून पी रही है। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कह पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। चाहे वो मोटरसाइकिल चला रहा है या स्कूटर चला रहा है, हमारा ये कहना है कि अगर मोदी टैक्स और केजरी टैक्स जो इनका चल रहा है, जो GST उस पर लगा के इन्होंने इकट्ठा करने की कोशिश की है, अगर वो ही हट जाए तो यहाँ पर इनको आधे दमों पर पेट्रोल डीजल मिलेगा। इसी बात को लेकर लोगों से हस्ताक्षर करा रहे हैं, लोगों में जोश है और इनके प्रति आक्रोश है। लोग ये कह रहे हैं कि पेट्रोल कीमत जो है वो कम होनी चाहिए, लोगों के ऊपर बड़ा भार पड़ रहा है और लोग पूरी तरह से हताश और परेशान। जैसा कि हम जानते हैं, कच्चे तेल की कीमत 50% से भी कम हो गई है, तो हम पेट्रोल और डीजल को क्यों इतना मतलब बढ़ा रहे हैं, क्यों उसके रेट को आप इस बारे में? बिल्कुल सही आपने प्रश्न पूछा है। क्रूड ऑयल जो इंटरनेशनल, उस पर जब उसके रेट कम हो रहे हैं तो हमारा ये सवाल उनके ऊपर बनता है कि आपका जब क्रूड ऑयल पूरा इंटरनेशनल लेवल पर कम हो रहा है तो हिंदुस्तान के अंदर पेट्रोल क्यों नहीं सस्ता हो रहा है, जो कि होना चाहिए। तो क्रूड ऑयल जैसे ही बढ़ता है उसको उसके दाम का असर पेट्रोल पे आता है, लेकिन क्रूड ऑयल के रेट तो पूरे इंटरनेशनल ग्लोबली कम हो रहे हैं, लेकिन बावजूद हम यहाँ पर रेट यहाँ पर कम नहीं हो रहा, तो उसी मुहिम को लेकर आज हम लोगों के बीच में है। सर, कांग्रेस सरकार कसा जाता है कि सरकार ने कुछ नहीं किया अपने टाइम पे, तो कांग्रेस सरकार के टाइम पे 9% टैक्स लगता था पेट्रोल पे, तो आज 38% टैक्स लगाया जा रहा है, तो इससे जनता को कितना इफेक्ट हो रहा है, कितना फर्क पड़ रहा है, आप उनके विचारों के बारे में क्या कहना? लोग पूरी तरह से परेशान है, पूरे देश में अराजकता फैली है, हिंदुस्तान त्राही त्राही कर रहा है, चाहे किसानों का मामला हो, मजदूरों का मामला हो, और जहाँ तक पेट्रोल के मामले 9% की बात आपने करी, कांग्रेस राज्य के अंदर हर आदमी खुशहाल था और जो कांग्रेस ने प्रोग्रेस करी लोगों के बीच में है। आज पूरी तरह से हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति, हर वर्ग पूरी तरह से हताश और परेशान है। आप पेट्रोल की बात करें, दूसरी चीज़ों की दामों की बात करें, पूरी तरह से लोग परेशान हैं पूरी तरीके से, और आज लोग फिर से पुकार रहे हैं कि कांग्रेस की ओर लोग जाना चाहते हैं। कि कच्चे तेल 2014 के मुकाबले, जैसे कि मैंने अभी देखा 2014 के मुकाबले 2016 क्यों हम पेट्रोल 38 रुपए नहीं कर सकते और 30 रुपए डीजल क्यों नहीं कर सकते? अब ये लोग जो हैं, अब ये रेवेन्यू जो झूठे वादे इन्होंने करे कि देश के अंदर काला धन जो लेके आएंगे वो 15-15 लाख अकाउंटों में जाएगा, गरीबों के लिए योजनाएं बनाएंगे, हाउसिंग कहेंगे, उनको तमाम रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे, आज इनके तमाम जो वादे खोखले पड़ रहे हैं, आज रेवेन्यू कहीं पे इकट्ठा नहीं हो रहा है, लोगों पे केवल
ये बोझ डालना चाहते हैं। और बिल्कुल सही बात है कि क्रूड ऑयल जब 108 से 58 तक आ गया तो निश्चित रूप से लोग, ये जनता जानती है कि इसका जो है रेट कम होने चाहिए, जो लाजमी है, जो करना ही चाहिए। और मैं यकीन दिलाता हूँ कांग्रेस की सरकार होती तो निश्चित रूप से 9% से जाकर उसको हम नीचे और 1% कम करके लेके आते। लेकिन मुझे लगता है इनकी नीति और नीति में पूरी तरह से डिफरेंस है, ये लोगों की भलाई पूरी तरह से नहीं चाहते। सर जिस तरह से मैं देखा है कि कुछ भी प्रॉफिट होता है, किसी भी तरीके का बीजेपी सरकार में प्रॉफिट होता है, तो उससे माना जाता है कि बिजनेसमैन को सबसे ज़्यादा फायदा होता है, तो आप इस पर कितनी राय है और कितने उसी? बिल्कुल, देखिए आप बोलिए, जितनी पॉलिसीज भाजपा की अब तक बनी है, पहले दिन से मोदी साहब जब शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री बने और आज तक, वो तमाम पॉलिसीज ना केवल बिजनेसमैन के लिए है बल्कि हमारे जो गरीब तबकों के लिए, नीचे वर्ग के लिए कतई कुछ सोचा नहीं जा रहा। केवल अंबानी और अडानी की बात वो सोचते हैं। आज आप देखिए कि जियो को किस तरीके से वो विकसित कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को देखते हुए अडानी अंबानी को, जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको उनका कर्जा माफ़ किया जा रहा है, उनका 2500 करोड़ माफ़ किया जा रहा है। और जबकि किसान जो 200 जो उनका जो है 5 लाख का कर्ज जिसके किसान के ऊपर था, आपको जानकर दुख होगा कि उसको 2 रुपये का 3 रुपये का उन्होंने चेक दिया। ये पूरे प्रजातंत्र पे, लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। आज हम मोदी साहब से हाथ जोड़कर नमन करके कहना चाहते हैं कि मोदी साहब, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, लोगों ने आपको शीर्ष नेतृत्व में बिठाया, जितना जनता चाहती थी उससे, जितना आप चाहते थे जनता ने उससे अधिक आपको दिया। आज जनता आपकी तरफ देख रही है और कांग्रेस रोड पे खड़े होकर पूरी ताकत के साथ जनता की आवाज़ को बुलंद कर रही है और लोग पूरी तरीके से आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप क्या उनसे ऐसा कहना चाहते हैं, क्या उन्हें ऐसा बताना चाहते हैं कि उनको भी लगे कि हाँ सच में कांग्रेस सरकार आने वाले वक्त में? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान आज युवाओं का हिंदुस्तान है, नौजवानों का हिंदुस्तान है, आज हिंदुस्तान मुस्तबिल है पूरे हिंदुस्तान का। मैं उनसे नमन करके प्रार्थना करना चाहता हूँ, तमाम नौजवान साथियों से, राजेश चौहान जी हमारे साथ ही हमारे साथ खड़े हैं, हम तमाम साथी उनसे नमन करके प्रार्थना करना चाहते हैं कि नौजवान इस बात को समझें कि देश के अंदर जो लोग आपकी सेवा करना चाहते हैं, जो देश को तरक्की देना चाहते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने उनको उनके साथ रहना चाहिए। और जो लोग अराजकता फैला रहे हैं और देश के प्रति जिनका पूरी तरह से दायित्व उनको खत्म करके केवल अमीरों की बात सुन रहे हैं, आज हिंदुस्तान को बांटने और तकसीम की बात करी जा रही है, लोगों को बांटा जा रहा है, धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, जिससे आज हमारी पूरी कांग्रेस हताश है और बड़ी दुखी है इस बात से। हम नौजवान से हाथ जोड़कर नमन करके कहना चाहते हैं कि आज हिंदुस्तान को तकसीम मत होने दो, हिंदुस्तान को भाईचारा, सद्भावना और प्यार मोहब्बत से रहने दो। हिंदुस्तान जो आज कांग्रेस ने 70 साल के अंदर एशिया की सबसे बड़ी ताकत बनाकर हिंदुस्तान को रखा है, उसे और मजबूती से ग्लोबल के अंदर इंटरनेशनल लेवल पर और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं अपने नौजवानों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो लोग आज हिंदुस्तान के अपनी धरोहर को संभाल लें और देश को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसी पार्टी को आगे लेके आए जो देश की हित की बात करती है। पेट्रोल का जो दाम आए दिन बढ़ते जा रहा है, 50 से 55, 55 से 65, 65 से अब 70 हो गया है, तो इस बारे में आप क्या अपना राय देना चाहेंगे? देखिए, 3 साल पहले कच्चे जो तेल था मार्केट में उसके दाम बहुत ज़्यादा थे, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट होते हुए उन्होंने हमें तेल बहुत कम रेट पर प्रोवाइड कराए। कांग्रेस की गवर्नमेंट जो थी वो गरीबों के लिए थी, गरीबों का सोचती थी। आज कच्चे तेल के इंटरनेशनल मार्केट में रेट जो है बहुत कम है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने रेट कम करने की वजह पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए हैं कि हमारे जैसे एक आम आदमी 10 बार सोचता है कि हम कितना तेल डलवाएं कितना ना डलवाएं। अगर हमें कहीं जाना है तो हम इसमें तेल डलवाएंगे तो हमारे घर के बच्चे क्या खाएंगे, आप खुद ही बताइए इस चीज़ के लिए। आप इसका मतलब आप सीधे सीधे मोदी सरकार को ये कह रहे हैं कि आपके राज्य में तेल जो पेट्रोल का दाम है वो बढ़ता ही जा रहा है, इसका कोई यथा नहीं? मैडम, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, आप यहाँ खड़े किसी भी इंसान से पूछ लीजिए, रोड पे चलते हुए जो लोग अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं उनसे पूछ लीजिए कि आज के टाइम में कितना मुश्किल हो गया है अपनी गाड़ी हैंडल करना। आप ही बताइए कि महंगाई, अब मोदी साहब तो ये बोलते थे कि अच्छे दिन आएंगे, कहाँ है अच्छे दिन? ये अच्छे दिन है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए मैडम, हरी सब्जियों के दाम बढ़ गए, हर चीज के दाम बढ़ चुके, क्या करेगा आम आदमी बताइए? मोदी साहब ये अच्छे दिन लेकर आए हैं, इससे अच्छे दिन तो हमारे पुराने ही ठीक थे, कम से कम अपनी गाड़ी में हम तेल तो आराम से डलवा लेते थे, 50 रुपये लीटर तेल आता था, अभी आप जाके चेक करिए 70 रुपये लीटर तेल है मैडम। लोगों के बीच
पेट्रोल का दाम बढ़ने से लोगों के बीच काफी आक्रोश है, आप देख सकते हैं। मैडम मैंने भी बहुत सोचा था कि मोदी साहब आएंगे, मोदी के साहब की गवर्नमेंट आएगी तो शायद 15 सालों से जो हम देखते आ रहे हैं, लोग बोलते थे कि कांग्रेस की गवर्नमेंट ने बहुत महंगाई बढ़ा दी है, बहुत घोटाले कर दिए हैं, लेकिन मुझे ये लगता था पर्सनली कि वो दिन ज्यादा अच्छे थे, क्योंकि जब से मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है मुझे ऐसा लगता है मोदी साहब हम पे टैक्स का भार डाल के हमारे टैक्स के पैसे से वो तो विदेश ही घूम रहे। 3 साल से मोदी साहब ने देश में क्या काम किया, ये कि वो बाहर जाते हैं हमारे देश में तेल के प्राइस ऊपर कर देते हैं, वो बाहर जाते हैं हमारे देश में महंगा, लेकिन उन्होंने अपने बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े बिजनेसमैन का तो देख लिया, उन्होंने सारा हिसाब किताब लगा लिया, बड़े बिजनेसमैन को ये फायदा होना चाहिए, बड़े आदमी को ये फायदा होना, गरीब आदमी का क्या, 18% टैक्स, आप जरा गरीब आदमी से पूछिए वो देने को तैयार है, और वो कहाँ से लेकर आएगा, उसकी सैलरी बढ़ाइए ना आप, एक जो न्यूनतम सैलरी है कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 12,000 कमा रहा है, उसमें मोदी साहब ने 18% टैक्स रख दिया, क्या फ्री का पैसा आ रहा है या मोदी साहब को 15 लाख रुपए दे दें, जो मोदी साहब ने ये बोला था कि हम हर बंदे को, हर बंदे के अकाउंट में, गरीब आदमी के अकाउंट 15 लाख पहुंचाएंगे, आज तक मैंने 15 लाख तो छोड़ दीजिए, 1500 रुपए या 150 रुपए भी हमारे अकाउंट में, किसी से पूछ लीजिए आए हो तो।